हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राणा क्रिएशंस। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छा कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। नहीं यार, शुरू करने से पहले ना पहले इसको ठीक करते हैं। देखो क्या हालत हो गई है मेरी। सो पहले इसको ठीक करते हैं और फिर मिलता हूँ आपसे मैं, और फिर करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तब तक के लिए जू वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। ये गेटअप थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा ट्रिम होके आया हूँ मैं। सो दोस्तों, आज का व्लॉग थोड़ा सा खास होने वाला है। अगर आप फूड से बोर हो चुके हैं, ट्रैवल भी नहीं, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं अपनी गाड़ी में, और अगर आप चाहते हैं आपके पास खुद की एक गाड़ी हो मगर पैसे नहीं हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, सो जी हाँ, बिल्कुल आप सही पते पर हैं, क्योंकि आज का व्लॉग मैं करने वाला हूँ सेकेंड हैंड कार्स का। सो आज हम देखेंगे किस तरीके से और कहां से और कैसे और कितने दाम पर आप पुरानी गाड़ियां ले सकते हैं, या अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी ले सकते हैं। जी हाँ, सो इन्हीं सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आज इस व्लॉग में। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, मगर आई मेक श्योर बोरिंग नहीं होगा। सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आपको सीधे चलता हूँ लेकर मैं लोकेशन पर, वहाँ दिखाऊंगा आपको ढेर सारी गाड़ियाँ और सबके अलग अलग दाम और पेपर्स वर्क एंड सब कुछ आपको बताऊंगा। मगर तब तक के लिए Be in touch. Until then, keep waiting. सो इसी दौरान मेरे साथ मेरे कैब ड्राइवर सोमदत्त जी मेरे साथ हैं। मैंने सोचा इनसे ज़्यादा किसको नॉलेज होगी गाड़ी की, तो इनसे पूछते हैं कि अगर ये पुरानी गाड़ी लेने जाएंगे तो पहली चीज़ आप क्या देखेंगे सोमदत्त जी? पहले मैं उसका इंजन चेक करूँगा, उसके पेपर चेक करूँगा, उसके बाद उनसे पूछूंगा इसमें कोई काम तो नहीं है, उसके बाद टेस्ट ड्राइव लूँगा उसकी। सो इनका कहने का मतलब है कि टेस्ट ड्राइव से आधा अंदाज़ा आपको हो जाएगा गाड़ी जेन्युइन है कि नहीं है, क्यों सही कि नहीं है? हाँ जी, क्योंकि अगर क्लच प्लेट, अगर आप उसकी क्लच देखेंगे या टायर्स देख के आपको अंदाजा हो सकता है कि गाड़ी सही है कि नहीं है। और कोई खास बात जो आपको गाड़ी के अंदर दिखनी चाहिए? एक तो उसका पेंट जेन्युइन होना चाहिए, आगे पीछे से कहीं लगी तो उसका पेंट जेन्युइन होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी एक्सीडेंटल होती है और लोग उस पे ऊपर से पेंट करवा के उसको टिच करके बेच देते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है और मुझे भी ध्यान रखनी है, और मुझे ये सवाल पूछने हैं जहां मैं जा रहा हूं, सो दैट हमारे सभी सवालों का जवाब मिले और आप तक सही गाड़ी पहुंचे, कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे। तो सो वेलकम बैक एवरीवन। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं बुराड़ी में। इस वक्त मैं हूं बुराड़ी में, मैं हूं ये बुराड़ी मेन रोड इसे बोलते हैं, और मैं इस समय पहुंच चुका हूं ओमकार बाज़ार। सो आज सारी अपडेट जो हैं इनसे जानते हैं कौन कौन सी गाड़ी इनके पास अवेलेबल है, कौन कौन से स्टॉक है, किस रेंज की हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स इनके पास है। तो आइए वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलते हैं अंदर और मिलवाते हैं आपको ओनर से, देखते हैं पाजी क्या है। सो ये फिलहाल हम ऑफिस के अंदर, और अब मैं मिलवाता हूँ आपको, देखिए। सो ये हैं गुरुप्रसाद सिंह, और हम इन्हें जब प्यार से बोलते हैं गुरु पाजी। सो गुरु पाजी आज हमारी मदद करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन देने में, सारी गाड़ियाँ दिखाएंगे, आपके सारे सवालों के जवाब सिर्फ इस इंसान के पास है। तो आइए शुरू करते हैं।
सो वेलकम बैक एवरीवन. सो फाइनली मेरे साथ हैं गुरुप्रसाद सिंह, जो है ओमकार बाजार के ओनर. तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ओमकार बाजार से ही गाड़ी क्यों ली जाए और क्यों इन्हीं के थ्रू क्यों लें. दिल्ली में इतने सारे मार्केट में कॉम्पिटिशन है, इनसे क्यों लें. तो स्वागत है गुरुप्रसाद पाजी, स्वागत है आपका राणा क्रिएशंस में. कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया जी. नर्वस तो नहीं हो? ना ना, सारे सवालों के जवाब आराम से हो जाएंगे. बिल्कुल. तो चलिए शुरुआत करते हैं. पहला सवाल मेरा आपसे जो है, दिल्ली में इतना कंपटीशन है, गाड़ी आपसे क्यों ली जाए, कोई खास वजह? हमारे यहाँ पे जैसे कोई जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक तो सारी सर्विस रिकॉर्ड के साथ है, दूसरा कि सारी नॉन एक्सीडेंटल है. पहले हम खुद चेक करते हैं गाड़ी, और पूरी टीम है, हमारा पूरा टीम वर्क है. सारे गाड़ियाँ चेक हमने, ये विशाल है और दो तीन बंदे और हैं जो गाड़ियाँ चेक करते हैं हमारे. गाड़ी में 1% भी कोई हमें डाउट लगता है या कोई कमी लगती है तो हम वो गाड़ी छोड़ देते हैं. ठीक है. सो ये जस्ट मुझे क्लियर करना, बिकॉज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने एक दो वीडियोज़ देखे यूट्यूब पे जो थे, काफ़ी पॉपुलर थे, मगर श्योरिटी के साथ कोई ये नहीं कह सकता है गाड़ी, क्योंकि उसमें एक दो वीडियोज़ ऐसे जो बोल रहे थे कि एक्सीडेंटल कार है उसको हम रिपेयर करके आपको देते हैं और वो रेट कम भी लेते हैं जेन्युइन, नो डाउट. बट शायद यहाँ पे आने की मेरी खास वजह ये थी कि इनके पास जब मैंने इनके रिव्यूज़ कहीं पढ़े थे तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक्सीडेंटल कार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ये बात सही है. बिल्कुल. अच्छा, पेपर वर्क में क्या प्रॉब्लम है? अगर पेपर वर्क कितने दिन लगते हैं कम से कम प्रोसेस होने में? 15 दिन के अंदर अंदर RC ट्रांसफर होके आ जाती है कस्टमर के घर पे. कस्टमर कहीं से भी, पूरे हिंदुस्तान में या सिर्फ दिल्ली NCR? सिर्फ दिल्ली NCR, हमारा जो है मेन दिल्ली NCR का. तो मेक श्योर कि जो दिल्ली NCR के लोग हैं फिलहाल उन्हीं के लिए सर्विसेज हैं. आगे फ्यूचर में कुछ प्लान है? हाँ बिल्कुल, बाहर बेचेंगे गाड़ियाँ, पर अपने हाथ मजबूत करके जब पेपर वर्क का पूरा सेटिंग बैठेगी हमारी तो उस हिसाब से. अभी फिलहाल हमारा दिल्ली NCR में है तो हम उसी लेवल पे करते हैं. ठीक है. मतलब ऐसा फिलहाल अभी ऐसा नहीं करना है कि मतलब कि कोई भी आ रहा है उसको बेच दो, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बिल्कुल खरीदते हैं जिससे उसे भी देख के और जिसको बेचते हैं उसके भी पूरे. कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए क्या बोलेंगे आप? कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारे यहाँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सारी गाड़ियाँ बिल्कुल हम अप टू डेट रखते हैं. मार्केट से हो सकता है 5,000-10,000 महंगी लगे, पर गाड़ी में आपको कोई कमी नहीं लगेगी. पेपर से लेके और गाड़ी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी. और ऐसे पहली पहली गाड़ी कौन सी दिखा रहे हो? सबसे पहली गाड़ी पहले ये मेरे पास वैगनर है, 2008 मॉडल, फर्स्ट ओनर है और CNG ऑन पेपर है. अच्छा, CNG ऑन पेपर है जी. कितने की है गाड़ी ये? 1,00,000 रुपये की गाड़ी. 1,00,000 रुपये में 2008 वैगनर CNG ऑन पेपर्स. i10 2012 मॉडल, ये भी CNG ऑन पेपर है, सिक्वेंशियल CNG ऑन पेपर है. और कितने की है ये? 2,00,000 रुपये की. 2,00,000 रुपये की है. अच्छा, मैंने सुना है कि मतलब जो वैगनर है काफ़ी भरोसेमंद गाड़ी है, तो कितनी बिकती है वैगनर? वैगनर का रेशो ज़्यादा है, लोगों को वैगनर ज़्यादा पसंद है छोटी गाड़ी में. तो अगर ये गाड़ी महीने में 5 बिकती है तो वैगनर एक्चुअली 10 के करीब आ जाता है. अच्छा अच्छा. सो पाजी ये कौन सा मॉडल है? ये 2011 मॉडल है. अच्छा, ये सेकंड ओनर है. इंश्योरेंस पोल्यूशन सब कुछ पेपर कंप्लीट है. अच्छा, और 35,000 चल रही है. 35,000 जी. क्या रेट है? टॉप मॉडल. रेट क्या इसका? रेट 185. 185 2011 मॉडल जी. और ये है टॉप मॉडल? टॉप मॉडल. तो आइए मैं आपको ये गाड़ी अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से इसका इंटीरियर कैसा है. चलिए. प्रॉब्लम इस वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करके आपको इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है. सो सबसे पहली गाड़ी जो आपके सामने है ये है i10 एस्टा 2014 मॉडल, डीजल टॉप मॉडल, फर्स्ट ओनर, फुली इंश्योर्ड, कीमत थी इसकी 3,50,000 रुपए. अगर देखा जाए तो हर गाड़ी की डिटेलिंग करना वॉज इम्पॉसिबल. रीजन अगर मैं ऐसा करने जाता तो शायद ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे का बन जाता, जो मैं नहीं चाहता था. सो इसलिए फटाफट से गाड़ी का मेक एंड मॉडल एंड प्राइस बताने की कोशिश मैंने की है, सो दैट आपको अंदाजा हो जाए किस किस रेंज की गाड़ियाँ थी. सो अगली गाड़ी जो ये है आपके सामने, डैटसन गो मॉडल 2018, 16,000 किलोमीटर चली हुई, फर्स्ट ओनर,
आई पर्सनली लाइक इसका इंटीरियर, काफ़ी अच्छा था, ब्लू कलर का था, डिफरेंट था। कीमत थी इस गाड़ी की 2.5 लाख रुपए। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर से एक बार, i10 2018 स्पोर्ट्स मॉडल, 5000 किलोमीटर चली हुई, कीमत 5.5 लाख रुपए। रीजन मुझे बताई गई क्योंकि इस गाड़ी के ओनर ने क्रेटा खरीदी थी, सो वो इसको बेचना चाहते थे। इस गाड़ी की प्लास्टिक देख सकते हैं आप, सीट पे अभी भी लगी हुई है। सो आई रियली लाइक दिस कार, थोड़ी एक्सपेंसिव है शायद, मगर आई थिंक इट इज़ वर्थ। अगली गाड़ी जो हम बड़े थे वो गाड़ी थी रिट्स 2012 जेड एक्साइट टॉप मॉडल। ये गाड़ी के सेकंड ओनर, जी हाँ सेकंड ओनर, इस गाड़ी की कीमत लगाई गई थी 2 लाख रुपए। एक चीज मैंने नोटिस यहाँ पर की, गाड़ी अंदर से सारी साफ सुथरी थी, यानी कि गाड़ी की कंडीशन अंदर से काफी अच्छी थी, बाहर से भी अच्छी थी। ड्यू टू सम बैड लाइट आपको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं समझ आएगा इसमें। सो अगली गाड़ी जो हमारे सामने थी वो थी सेंट्रो 2011 पेट्रोल वेरिएंट, कीमत थी इसकी 1.5 लाख रुपए। सो अगली गाड़ी इंडिया की सबसे फेवरेट गाड़ी रह चुकी है, जिसका नाम था स्विफ्ट 2010 सीएनजी ऑन पेपर्स फर्स्ट ओनर। इस गाड़ी की कीमत थी 2 लाख रुपए। जी हाँ, ये गाड़ी थी आपकी स्कोडा रैपिड, 2015 का मॉडल था ये। ये गाड़ी चली हुई है तकरीबन 54,435 किलोमीटर। इस गाड़ी की कीमत थी 4 लाख रुपए। स्कोडा के बारे में एक मिथ है कि काफ़ी हाई मेंटेनेंस ब्रांड है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। बिकॉज पर्सनली मुझे गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी थी, अंदर से काफ़ी साफ सुथरी थी। Chevrolet Cruze, ठीक है। कौन सा मॉडल है ये? 2011 मॉडल है। और कितनी चली हुई है ये? 60,000 के करीब। कितने की बिकी? 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए की। अच्छा पाजी मुझे बताइए, शेवरले की गाड़ियों को लेकर लोग बड़े परेशानी रहते हैं कि नहीं यार कंपनी बंद हो चुकी है, सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, पार्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में सब पार्ट अवेलेबल है। ये सब लोगों की सोच है कि क्या नाम है, कंपनी बंद हो गई तो पार्ट नहीं मिलेंगे, वो सब कुछ मार्केट में मिल रहे हैं। और सबसे बेस्ट कार है ये सेडान क्लास में, बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें। जैसे आप देखो ये सनरूफ भी है, ये सनरूफ है गाड़ी में, पुश बटन स्टार्ट है, बाकी परफॉर्मेंस भी एक नंबर है इस गाड़ी की, बहुत अच्छी कार है। सो अगर किसी को पसंद आती है तो 3 लाख रुपए उसके लिए रेट? बिल्कुल, 3 लाख रुपए की रेंज में आपको सनरूफ मिल रहा है, पुश बटन स्टार्ट मिल रहा है, अलॉय व्हील मिल रहे हैं। और मजे की बात है गाड़ी अभी स्टार्ट है और ये डीजल कार है जी। हल्की सी नॉइज, मुझे हल्की सी आवाज आ रही है, मुझे नहीं पता कैमरे में इसमें कितनी कैप्चर हो रही होगी, पर मुझे बहुत हल्की सी आवाज आ रही है। बिल्कुल साइलेंट कार है बिल्कुल, जबकि डीजल इंजन काफी ज्यादा नॉइजी होता है। और इसका एसी इतना इफेक्टिव है, हमने जस्ट अभी ऑन किया था एंड स्टार्टेड वर्किंग वेरी नाइस। सो मेरा एक्सपीरियंस ऑल ओवर अच्छा रहा है। बाकी अगर आपको पसंद ये गाड़ी आई तो जरूर बताइएगा कमेंट में लिखकर कि कैसी लगी। You're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain. The sorrows in your brain. Oh,
गाड़ी है मेरे पास, वो एक्सयूवी है, 2015 मॉडल है ये, वो आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी मेरा जो स्टॉक है वो आता जाता रहता है। ये 2015 मॉडल है, W8 है, और आपका अच्छी गाड़ी है, 35,000 चली है, 10 लाख रुपए की रेंज में। महिंद्रा एक्सयूवी बहुत अच्छी गाड़ी है। तो चलिए लास्ट मैसेज आप व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे देख रहे हैं, जो दर्शक यूट्यूब पे कहीं भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार ऑफिस में आके, यहाँ पे मेरे शोरूम में आके एक बार गाड़ियाँ जरूर देख के जाओ। आप लो या ना लो वो बात अलग है, पर आप एक बार शोरूम में जरूर आओ, गाड़ियाँ देखो, देख के सोच के समझ के बिल्कुल आप दिल ले सकते हो गाड़ी। बिल्कुल, इनकी बात से मैं ज़रूर सहमत हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हो सकता है आपको गाड़ी कहीं और मिल रही हो, कम दाम में मिल रही हो, पर बिना देखे आप जज नहीं कर सकते। एक बार शोरूम में आइए, देखने के लिए आइए, मत लीजिए, देखने के लिए आइए, आपको अंदाजा हो जाएगा शायद जो बात हमने वीडियो में दिखाने की कोशिश की आपको, एग्जैक्ट में आपको जब पिक्चर, वहां सेम पिक्चर आपको जब मिलेगी तब आपको ज्यादा ट्रस्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर इसी के साथ मैं वीडियो यही खत्म कर रहा हूँ अपना, और सुराना क्रिएशन को सब्सक्राइब करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब्सक्राइब कीजिए राणा क्रिएशन, ये बहुत अच्छे बंदे हैं और बहुत अच्छी वीडियो बनाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू सो मच, सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, और बाकी आई विल ट्राई टू पोस्ट दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल। सी यू सून, टिल देन सी यू, बाय बाय एवरीवन।